मैं हूँ मंजू। आइए आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। मेथी के पराठे सर्दियों में लोग ज़्यादा ही शौक से खाते हैं। चले मेथी के पराठे बनाने के लिए हमको जो सामान इसमें डालने के लिए चाहिए वो है ये हमने एक कटोरी आटा लिया है। ये हमने तकरीबन 100 ग्राम मेथी का धो के काट के रखी हुई है और इसमें डालने के लिए हमको ये सामान चाहिए। सबसे पहले हमको आधी मिर्ची चम्मच मिर्ची पाउडर चाहिए, थोड़ा सा जीरा चाहिए, ये थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और ये हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची थोड़ी सी हमने कूट कर रखी हुई है। और ये हमें इसमें डालने के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन चाहिए और हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और ये हमको थोड़ा सा इसमें जो सॉफ्ट पराठे बने उसके लिए हमने ये तेल लिया, हम इसमें मोयन डालेंगे। तो चलिए हम मेथी के पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। आइए हम सबसे पहले तो हमने जो कटोरी आटा लिया था सबसे पहले हम ये आटा ले लेंगे। उसके बाद हमने जो ये मेथी 100 ग्राम धो के काट के रखी हुई थी ये हम इसमें मेथी डालेंगे। आप अपने आटे की क्वांटिटी के हिसाब से ही मेथी डालेंगे। चलिए अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा तेल। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये जो हमने बेसन लिया था ये हम ज्यादा नहीं डालेंगे, एक कटोरी में सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे और ये थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे। हमने जो ये लहसुन हरी मिर्ची और अदरक जो पीस कर रखी हुई थी इसमें आप बना बनाए पेस्ट नहीं डालेंगे, इसके लिए हमको घर में ही पेस्ट बनाना पड़ेगा। ये देखिए और ये हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए। चलिए हम ये सब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगाएंगे। अभी अब हमारा आटा अच्छे से भीग चुका है, ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। तो हम मेथी के पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। आटे को हमने भिगा कर थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि पराठे सॉफ्ट बने। हम इसमें से एक पेड़ी तोड़ लेंगे। आपको जितना बड़ा साइज चाहिए उस हिसाब से आप बड़ी पेड़ी तोड़ सकते हैं। इसको हम इस तरीके से थोड़ा बड़ा बेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें घी लगाएंगे। थोड़ा घी हमको अच्छे से फैला के लगाना है, इससे पराठे की पूरी परत अच्छी तरह से आ जाती है। इस तरह से हम मोड़ लेंगे घी लगा के। ये पराठा बिल चुका है। सबसे पहले हम तवे में थोड़ा सा घी लगा देंगे, इससे पराठा चिपकता नहीं है। जब एक साइड से थोड़ा सीख जाएगा फिर हम पलट देंगे। ये पराठा इस साइड से सीख गया है, अब हम इसको धीरे से पलट देंगे। जब तक ये इस साइड से सीखता है तब तक हम इसमें ऊपर घी लगा लेंगे। घी हमको इसमें अच्छा ही शुद्ध देसी घी यूज करना है, वैसे भी सर्दी में सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। ये देखिए इस तरफ से सीख चुका है। इसको हमें धीमी आंच पे ही सेकना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबा के सेकना है। ये देखिए सिकना शुरू हो गया। इसको हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए सेकेंगे धीमी गैस पे। ये मेथी के पराठों का स्वाद ही अलग रहता है सर्दी के मौसम में। ये देखिए मेथी के पराठे का कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। चलिए हम इसको निकाल लेंगे। कलर कितना सुंदर लग रहा है और इसमें खुशबू भी मेथी की बहुत अच्छी है लग रही है। और आप अगर चाहें तो इसके ऊपर बटर लगा के भी खा सकते हैं, सादा चाय के साथ भी खा सकते हैं। और हमारे वीडियो को देख कर आप मेथी के पराठा बनाइए फिर खाइए, फिर हमको बताइए कि आपको हमारे मेथी के पराठे कैसे लगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।